सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल पंसारी के नुस्खे पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैद्यनाथ प्राणदा के फायदे के बारे में। जी साथियों, बैद्यनाथ प्राणदा सिरप के फायदे क्या है मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा। साथियों, बैद्यनाथ प्राणदा एक विश्व प्रसिद्ध मलेरिया टॉनिक है जो मलेरिया के बुखार में अत्यंत लाभदायक है। साथियों, यह प्राणदा के इस्तेमाल से जो मलेरिया का बुखार है वो कुछ ही दिनों में दूर हो जाता है। साथियों, कई बार मलेरिया का बुखार होने से बहुत ज़्यादा कपकपी लगती है और सर्दी महसूस होती है। साथियों, कई रजाई कम्बल ओढ़ने के बाद भी सर्दी कम नहीं होती है। साथियों, इसके बाद बहुत तेज़ बुखार आता है और पसीना आकर बुखार कम हो जाता है, उसके बाद शारीरिक कमजोरी महसूस होती है। इसके लिए ये प्राणदा सिरप बहुत ही कामयाब टॉनिक है। साथियों, इसके सेवन से जो मलेरिया का बुखार है वह कुछ ही दिनों में दूर हो जाता है। साथियों, इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल जो लीवर की कमजोरी है उसको दूर करने के लिए भी किया जाता है। कई बार क्या होता है कि लगातार मलेरिया का बुखार रहने से लीवर कमज़ोर हो जाता है और खून की कमी आ जाती है और कमजोरी महसूस होती है, उसमें भी यह दवा बहुत ही कारगर है। साथियों, बुखार उतर जाने के बाद भी अगर लगातार 3-4 दिन इस दवा का सेवन किया जाए तो जो शारीरिक कमजोरी है, वो जो लीवर कमज़ोर हो गया है बुखार कारण, वह भी ठीक हो जाता है। साथियों, इस दवा को लेने का तरीका क्या है और कितनी लेनी है वो बता देते हैं आपको। साथियों, ये दवा बच्चों के लिए 5 ml और बड़ों के लिए 10 ml दवा दिन में 2 से 3 बार देनी चाहिए। अगर साथियों बुखार ज़्यादा है तो इस दवा का सेवन दिन में 3 बार करें, सुबह, दोपहर और शाम को। और अगर बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है तो इस दवा का सेवन 2 बार कर दें, सुबह और शाम। साथियों, एक बात और, इस दवा का सेवन गर्भवती स्त्रियों को ना कराएं। साथियों, ये दवा जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको नहीं देनी है। साथियों, ये दवा थोड़ी कड़वी है, इसलिए दवा लेने के बाद थोड़े भुने हुए चने या बाल मिश्री खा ले, जिससे थोड़ा जी सही हो जाता है। साथियों, इस दवा का किसी प्रकार का कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है अभी तक। साथियों, इस दवा के लगातार 4-5 दिनों के सेवन से ही जो आपका मलेरिया का बुखार है वो दूर हो जाता है। अगर दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।